पीएम मोदी और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बीच में एक मीटिंग हुई थी, बायलेटरल मीटिंग G20 में। और उस मीटिंग के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में तीन चीजें आ रही हैं, सिन माइवा US2, ये जो देख रहे हैं आप, यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम और सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर FFM। ये जो 2+2 की मीटिंग हुई थी पिछले साल, उसके बाद आखिर जापान और भारत कर क्या रहे हैं, क्यों चर्चा में आ रही है ये सारी चीजें, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो एकदम से चौंकाने वाली खबर पहुंची, जिसमें क्या चाइना तालिबान को मान्यता देगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त भारत बहुत फुल फॉर्म में चल रहा है, इसलिए ये जो छोटे मोटे तिकड़म है ये काम नहीं आने वाले हैं। चीन ने अफगानिस्तान पर कुछ एक्शन लिया है। अफगानिस्तान पर चाइना की नज़र बहुत पहले से रही है। आपको बता दें, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है और किसी भी देश ने अभी हामी भी नहीं दी है तालिबान को, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर चाइना इसे मान्यता देता हुआ दिखेगा। चीन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अपना पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तालिबान ने इसकी पुष्टि की है। अगस्त 2021 से ही कोशिश कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की, किसी देश ने नहीं दिया, लेकिन इस बीच में चीन ने आगे बढ़कर यहाँ अपने राजदूत की तैनाती कर दी। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि नए चीनी राजदूत झाओ सेंग ने तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंड से मुलाकात करके अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर दिया है। चीन द्वारा अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त किए जाना तालिबान को एक आधिकारिक मान्यता देना माना जा रहा है। तालिबान प्रशासन के उप प्रवक्ता हैं बिलाल करीमी। इनका कहना है कि चीनी राजदूत ने अफगानिस्तान में अपना नया मिशन शुरू किया, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है और बेहद सम्मान की बात है। तो वहीं चीनी राजदूत सेंग का कहना है कि अफगानिस्तान में चीनी राजदूत के रूप में अपना काम शुरू करना बेहद सम्मान की बात। सेंग ने कहा कि एक अच्छे पड़ोसी के रूप में चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और निर्णयों की स्वतंत्रता का पूरा मान करता है। नए दूत ने दावा किया कि तालिबान शासन के तहत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ भ्रष्टाचार, अपराध और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में काफी कुछ हुआ है और हम आगे बढ़कर भी बहुत अच्छा कुछ करेंगे। एक तो पहले ही पता था कि यहाँ पर तालिबान को समर्थन रूस और चाइना का मिलेगा। वैसे आप सोचेंगे, अच्छा अब ये सारे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, चाइना अफगानिस्तान में बड़ा दाव लगा रहा है, लाखों डॉलर निवेश कर रहा है, और ये तो सौदा भी हुआ था कि तालिबान ने चीन के एक फार्म को अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में तेल खनन का ठेका भी दे दिया है, 25 साल के लिए लीज पर भी लिया है। तो यहाँ पर चाइना तो बाजी मारे जा रहा है। तो आपको बता दें, ये सारी चीजें क्षणिक है, जिस तरीके के माहौल है उस तरीके में अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा दिनों तक चाइना ठहर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। खुद इस वक्त जो चीनी राजदूत वहां गया है ना, अंदर से मन बड़ा धक-धक कर रहा होगा कि आज यहाँ तो कल कहाँ, कहना मुश्किल है। खैर, भारत भी अफगानिस्तान से दूर नहीं है, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन भारतीय अधिकारियों की बातचीत जरूर हो रही है और तालमेल भी देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान में जितनी मदद भारत को पहुंचानी है वहां के लोगों को, वो मदद भी भारत लगातार पहुंचा रहा है। और जहां तक बात रही कि किसी देश का कब्जा अफगानिस्तान में होना, तो ये धरती ऐसी है अफगानिस्तान की, इतिहास उठाकर आप देख लेना, यहाँ पर कोई भी साम्राज्य कभी नहीं टिका है, ये देश हमेशा गृह युद्ध में ही झुलसा है और झुलसा रहेगा। वैसे तो पुरानी मान्यताएं ये कहती हैं, जो आज का कंधार है कभी गंधार हुआ करता था, और ये जो गंधार के नरेश थे शकुनी, उनको दिया गया गांधारी का श्राप था कि जिस तरीके से तुमने हमारे देश में महाभारत करवाया, वैसे ही हमेशा तुम्हारा देश अस्थिर रहेगा। खैर,
ये पुरानी मान्यताएं हैं, पर इतिहास में ये चीज जरूर देखने को मिली है कि यहाँ पर शांति नहीं हुई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी खबर जो है बेहद मजेदार है। आपको एक विमान दिख रहा होगा, ये विमान कौन सा विमान है और क्या है, इस विमान को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है दुनिया भर में। जब ये सामने आया था ना, तो इस पर जितना चर्चा हुआ था और जितना इसने लाइमलाइट चुराया था, उतना शायद ही किसी विमान ने चुराया हो। ये एक खास विमान था जिस विमान को जापान के द्वारा बनाया गया। आपको बता दें, जापान के बारे में मैं पहले भी कहती हूँ, मुझे ये लोग बेहद अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके अंदर ना एकदम से कूट कूट के भरा हुआ है ज्ञान। इन्होंने इसे बनाया और इसकी खासियत क्या थी, इसकी खासियत बस गिनते जाओ। पहली खासियत, ये एक उभयचर प्लेन है। अब उभयचर का क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि इसको पानी में भी आराम से उतार सकते हैं, फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं, और दूसरा इसे हवा में भी उड़ा सकते हैं। इसे खास तौर पर बनाया गया है कि हवा और पानी दोनों जगह ये काम कर सके। नाम क्या है, सिनमाइवा US-2। और इसका डिजाइन और इसकी जो कैपेबिलिटीज है ना, गजब की है। सिनमाइवा इंडस्ट्री द्वारा इसे बनाया गया है, जो एक जापानीज कंपनी है और दुनिया में रेपुटेशन रखती है ये कंपनी। US-2 के साथ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर दुनिया इसे खरीदना चाहती है। US-2 में पहली चीज ये है कि इसे जिस तरीके से डिजाइन किया गया है ना, ये बड़े आराम से मक्खन की तरह पानी में उतर जाता है, थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है। जब इसे उड़ना होता है तो बहुत आराम से ये उड़ जाता है। इस एयरक्राफ्ट में जो कैबिन है, उस कैबिन में 20 पैसेंजर आराम से आ सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करना हो, कहीं से लोगों को निकालना हो, कहीं रिलीफ फूड देना हो, इन सब में तो माहिर है सो है। अपने साथ ये 15 टन पानी भी ले जा सकता है, अगर कहीं आग लगा है उसे बुझाना है तो। और इसके अलावे इसकी रेंज है 4700 किलोमीटर। और सबसे बड़ी खासियत है, एकदम कोई भी इलाका हो, चाहे रिमोट द्वीप हो जहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम दूर सा हो, वहाँ पर भी इसे उतार लो आप। एक रनवे जो बनाया नहीं गया है वहाँ पर भी उतार लो आप, वहाँ भी उतर जाएगा। एक ऐसा समंदर जो रफ है वहाँ पर भी उतर जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे टेक ऑफ करने के लिए मात्र 300 मीटर की जगह चाहिए और लैंड करने के लिए मात्र 500 मीटर की जगह चाहिए। इस एयरक्राफ्ट में गजब के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, ये सब कुछ, सर्विलांस वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं और ये कई मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। और आपको बता दें, भारत ने कहा जा रहा है कि इस तरीके के 16 US-2 का ऑर्डर दिया है और जापानी सरकार भारत के साथ जो बेहतरीन उनके विमान और हथियार हैं उनको लेकर डील कर रही है। और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, यानी सरकार से सरकार के बीच में। सिर्फ यही एक हथियार नहीं है, इसके अलावे ये देखिए, ये है वो एंटीना जिसे नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। इस एंटीना की खासियत क्या है, इस एक एंटीना के अंदर ढेर सारे एंटीना हैं अलग अलग, जो पहले क्या होता था, किसी जहाज में ढेर सारे लगे हुए इधर उधर लटके पड़े हैं, इन सबको रूप दे दिया गया है एक खंबे का और इसे यूनिकॉर्न कहा जा रहा है। इसे जापान ने अपने नए स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर FFM में लगाया हुआ है और भारत सरकार को अब ये भी मिलने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ऐसे डील जापान के साथ हो रहे हैं जो बेहद जरूरी थे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।